हेलो दोस्तों, ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम की ऑनलाइन टेस्ट की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो आपके सपोर्ट के लिए मैंने यहां पर ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे रखा है। अगर आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। इसके अलावा आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो करिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जरूर बताइएगा। आप इसे जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के बाद क्वेश्चन सेंड करने के काम भी आने वाला है। यहां पर जो भी टेस्ट आपका होगा वो ट्रिपल सी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। सभी क्वेश्चंस हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जो क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं उन्हीं का कलेक्शन यहां पर है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम ये सब कुछ आपको मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम पर दो क्लासेस हैं। पहली क्लास है सुबह 7 बजे और दूसरी क्लास है शाम को 8 बजे। तो जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ जब भी एग्जाम है, वो दोनों क्लासेस को जरूर अटेंड करें, सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे। तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं। किसी प्रोग्राम में जो इरर्स हैं उन इरर्स की करेक्शन करने को क्या कहते हैं, कंपाइलिंग, डीबगिंग, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट करते रहिए। सारे क्वेश्चंस आपको हमारे ब्लॉग www.abhayexcelcomputer.blogspot.com पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आफ्टर क्लास आप उसको विजिट कर सकते हो। तो प्रोग्राम में इरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, डीबगिंग। इसको हम क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, अर्थात सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ट्रू या फिर फाल्स। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ट्रू एंड फाल्स के क्वेश्चंस न्यूज सिलेबस के अकॉर्डिंग कम आते थे, लेकिन नवंबर में जो एग्जाम हुआ है उसमें किसी किसी के एग्जाम में 70+ क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के आए थे। इसीलिए ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप नोट करते रहिए। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर ही आपका फॉल्स है क्योंकि सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नहीं होता है। अब नेक्स्ट, राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर या डाटा लिंक लेयर। राउटर, कुल्ला के इसका मतलब यह है कि राउटर किस लेयर पर काम करता है। ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर होती हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, तो कितनी होती है, 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। तो राउटर किस लेयर पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, नेटवर्क लेयर। राउटर आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी डाटा और सूचनाओं के संचालन के लिए संचार माध्यम है, डाटा और सूचना के संचालन के लिए, युग्म तार, क्वैक्सियल केबल, प्रकाशीय तंत्र या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए युग्म तारों के द्वारा भी डाटा और सूचनाओं का संचालन होता है, क्वैक्सियल केबल के द्वारा भी होता है, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, यह सभी। जो डाटा और सूचना है वो युग्म तार, क्वैक्सियल केबल्स, इन सभी के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट, पीडीएफ स्टैंड फॉर, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट या नन ऑफ दिस। पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो स्टूडेंट्स पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी सिंपल है, आप सभी जानते हो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के लिए किसका उपयोग किया जाता है,
बारकोड, MICR, OMR या UPC। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकेंड, MICR। क्या होता है? MICR। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में MICR का प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक आपकी हो सकती है, इसको आप नोट डाउन मत करिएगा, बस सुन लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे आधुनिक संस्करण कौन सा है? IPv4, IPv6, IPv8 या IPv5? तो फ्रेंड्स, दो ही प्रोटोकॉल है ना, तो लेटेस्ट की बात हो रही है, तो लेटेस्ट है आपका IPv6। कौन सा है? IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे आधुनिक संस्करण है। और दूसरा कौन सा है? तो IPv4 होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं कि IPv4 कितने बिट का होता है, तो IPv4 कितने बिट का होता है? तो ये होता है आपका 32 बिट का। कितने का? 32 बिट का। और अगर आपसे ये पूछता है कि IPv6 या कितने बिट का होता है, इसकी साइज क्या होती है, तो ये आपका होता है 128 बिट का, और IPv4 32 का। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, IPv4 कितने बिट का है या फिर IPv6 कितने बिट का है। अब नेक्स्ट, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना। कोई वर्कशीट है, उसकी जो सेल है उस सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 444, 15, 256 या फिर 300? तो वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो राइट आंसर इसका 256। अधिकतम 256 कैरेक्टर्स हम एक सेल में राइट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम एक सेल में राइट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, एस रैम और डी रैम में कौन अधिक तेज है? डी रैम, एस रैम इक्वल या फिर नना तेज? डी रैम तेज होती है, एस रैम होती है, या फिर दोनों बराबर है, या इनमें से कोई नहीं? अब स्टूडेंट्स, यहां पर डी रैम दिया है, तो डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, डी क्या प्रेजेंट करता है? डायनेमिक को, और रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में कौन तेज है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, एस रैम। एस रैम डी रैम की अपेक्षा अधिक तेज होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या है आपका? एस रैम। अब नेक्स्ट, बड़ी नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? स्टार, बस, रिंग या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। बड़े नेटवर्क के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का उपयोग हम बड़े नेटवर्क के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है बस, स्टार, मेज या फिर नन ऑफ दीज? मतलब किस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर बार एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आते हैं। तो टोपोलॉजी के बारे में कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है कि बस टोपोलॉजी क्या है, स्टार क्या है और मेस क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं किसके द्वारा? मीन्स किस व्यू में हम सभी स्लाइडों को एक साथ देख सकते हैं? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू या फिर नोट्स व्यू? तो स्टूडेंट, सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए हम उपयोग करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का। किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, अब नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आते हैं, मीन्स क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत कौन कौन आता है? सेव, अंडू, रीडू या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट्स, क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आपका सेव भी आता है, अंडू भी आता है, रीडू भी आता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी।
कहां पर होता है? देखिए, आप चाहे एक्सेल ओपन कर लीजिए, एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए, कहीं पर भी देखोगे, आपको जूम करके दिखाते हैं। यहां पर इसको हम यहां पर ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए, जो यहां पर ये सिंबल बना है, ये क्या है? आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। अब इसके अंतर्गत देखिए, न्यू है, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अंडू, रीडू, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, मोर कमांड्स, सो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कहां पर? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। अब हमें जिसकी भी जरूरत है, आप इसे क्लिक कर दोगे तो वहां पर ये देखिए ऑप्शन आपका आ गया। अब यहीं पर आप क्लिक करोगे तो नई फाइल आपकी आ जाएगी। और ओपन का आपने कर दिया, देखिए यहाँ पर ओपन का सिंबल आ गया। इसको रिमूव करना है तो यहां से आप टिक ऐसे हटा दोगे तो वो क्या होगा, आपका रिमूव भी हो जाएगा। समझ आए आपको? तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर यहां पर क्या था आपका? उपरोक्त सभी, ये सारे ऑप्शन वहां पर होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया भी। अब नेक्स्ट, HTTPS में S क्या दर्शाता है? सिक्योरिटी, सिस्टम, सिक्योर या फिर सॉफ्टवेयर? HTTPS में S क्या दर्शाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्योर। क्या दर्शाता है? सिक्योर। देखिए, दो प्रकार के प्रोटोकॉल हैं, एक है HTTP और एक है HTTPS। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके, है ना, कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि HTTP में TT क्या है, TT क्या प्रेजेंट करता है? तो TT क्या प्रेजेंट करता है? टेक्स्ट ट्रांसफर को, है ना। जब आपको फुल फॉर्म याद होगा तो आसानी से आप आंसर दे पाओगे क्या प्रेजेंट कर रहा है, टेक्स्ट ट्रांसफर को। और यहां पर जो S है, ये S सिक्योर को प्रेजेंट करता है। जब भी आप क्या करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है HTTPS, जो पूरी तरह से आपकी सुरक्षा कर सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो डिटेल्स है वो कोई और चुरा ना सके। तो सिक्योरिटी के लिए ही, सिक्योर करने के लिए ही HTTPS का यूज होता है। समझ में आया ये क्या होता है? अब नेक्स्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर में पैकेट्स को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर में पैकेट्स को क्या कहते हैं? डाटाग्राम, हेडर, डाटा पैकेट्स या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर में पैकेट्स को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन फर्स्ट, डेटाग्राम। इसको बोलते हैं हम डेटाग्राम। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। शाम को 8 बजे दूसरी क्लास होगी, तो उसको भी आप जरूर अटेंड करिएगा, नोटिफिकेशन आए या फिर ना आए, लेकिन वो क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी है। तो शाम को 8 बजे आप तैयार रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सके और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिनका भी एग्जाम आने वाला है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।